चलिए बेटा एक्सरसाइज 7.9 की बात करेंगे। अब 7.9 एक्चुअल में आपका, हाँ न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज होगी आपकी 7.8। जो आपकी एक्सरसाइज है यह है डेफिनेट इंटीग्रल्स। यह है डेफिनेट इंटीग्रल्स। सर डेफिनेट क्या होता है? मैंने कहा अभी तक हमने जितना इंटीग्रल पढ़ा था यहां ये इनडेफिनेट था। इनडेफिनेट मतलब यहां अगर आप देखो तो सी कांस्टेंट था, बट क्या मेरे पास सी की वैल्यू थी? नहीं। पर अब मेरा क्या आएगा? डेफिनेट आएगा, यानी यहां मेरे पास अब सी की वैल्यू आएगी। इतना पॉइंट क्लियर? अब क्यों, क्या, कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसको करना कैसे वो समझते हैं जरा ध्यान से। आइए इसके लिए पिक करेंगे एग्जाम्पल 27 का फर्स्ट पार्ट। मेरी बुक में एग्जाम्पल 27 है, न्यू बुक्स में क्या होगा ये? मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, मेरे को बताइएगा। न्यू बुक्स ये है लिमिट 2 से 3। अच्छा ये लिमिट्स होती है कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 2 से 3 तक, एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। रेडी? तो न्यू बुक्स में कौन सा ये बताएंगे एक बार, कौन सा? ओके न्यू में एग्जाम्पल है 25। कैसे करें सर? नॉर्मल है बेटा, सिंपल है, इसका इंटीग्रल कर दो। एक्स का इंटीग्रल आता है करना, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 2 से 3। अब क्या करो, ये अपर लिमिट या लोअर लिमिट? अपर लिमिट डाल के वैल्यू माइनस करो लोअर लिमिट डाल के। यानी कैसे? अपर लिमिट यानी 3 है, एक्स की जगह 3 डालो, 3 का क्यूब बाय 3 माइनस, अब एक्स की जगह 2 डालो, 2 का क्यूब बाय 3। कितना हो गया? 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 8, 19 बाय 3, 7.8। ओल्ड बुक्स में 7.8 डिलीटेड है। बोलो बेटा क्लियर, यस और नो? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसका सेकंड पार्ट। क्या है? आई इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपने जो सारा इनडेफिनेट में पढ़ा है, जो फॉर्मूलाज, जो टाइप्स याद है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट, सब मोर पर्टिकुलर फंक्शन, वो सब कुछ यहाँ एज इट इज अप्लाई होगा। बस यहाँ पर एक चीज क्या ऐड हो रही है, लिमिट्स, कोई फर्क नहीं है। 4 से 9 रूट एक्स डी एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। सर कैसे करें? बेटा एक बात बताओ, यहां पर क्या करना पड़ेगा? अगर आप लेट करो, देखो खुद, अगर आप इसको लेट करोगे तो इसकी पावर आ जाएगी, राइट? तो इसको मैं पहले कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना। दो तरीके इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका एक है बिना लिमिट के, अभी कि पहले बिना लिमिट के नॉर्मली सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में क्या कर दो, लिमिट लगा दो। तो इसको कुछ ले ले लूं मैं, लेट्स से एफ ले लूं, इसको फंक्शन बोल दिया एफ, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली रूट एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? लेट करेंगे इसको, लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। 30 का डेरिवेटिव 0, इसका क्या होगा? 3/2 माइनस 1, राइट? डीएक्स डीटी, तो क्या हो जाएगा सर? -3/2, पावर माइनस करो एलसीएम लेके, x की पावर 1/2 डीएक्स डीटी इधर भेज दो। एक्स की पावर 1/2 क्या होता है बेटा? रूट एक्स डी एक्स। कितना हो जाएगा सर? -2/3 डी टी। क्लियर? यहां कर दो ऐसे। एफ एक्स तो सर ये क्या हो जाएगा? -2/3 डी टी बाय टी। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? लॉग मॉड टी। डोंट राइट प्लस सी, प्लस सी क्यों नहीं लिखेंगे?
अच्छा टी का होल स्क्वायर है तो ठीक है, टी का होल स्क्वायर है बेटा, क्या हो जाएगा ये माइनस टू बाई थ्री टी की पावर माइनस टू डी टी, माइनस टू बाई थ्री क्या हो जाएगा सर, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा सर टू बाई थ्री, टी की पावर कितना वन बाई टी, डायरेक्ट लिख दू वन बाई टी, टी कितना है बेटा थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्या करें सर, अब यहां मैं ये क्या निकला अभी एफ एक्स, क्या आई निकला है, नो आई में क्या था लिमिट्स, लिमिट डाल दो, क्या है मेरा भी आंसर क्या है था टू बाई थ्री अपॉन में थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू, लिमिट क्या है फोर से नाइन, अच्छा टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, सीधा बाहर ही कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में है ना, सीधा बाहर कर दो टू बाई थ्री क्या रहेगा वन अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर, एक्स की जगह क्या आएगा नाइन, नाइन की पावर थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन थर्टी माइनस फोर की पावर थ्री बाई टू, बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर डाली माइनस लोअर, क्लियर टू बाई थ्री करो इसे सॉल्व, वन अपॉन थर्टी माइनस नाइन की देगा थ्री का स्क्वायर थ्री बाय टू, फोर की जगह टू का स्क्वायर फोर बाय थ्री बाय टू, सॉल्व करो थर्टी कितना देगा वन बाय थ्री माइनस थर्टी माइनस एट ट्वेंटी टू, सॉल्व कर दो से बेटा कितना आ जाएगा सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री ट्वेंटी टू माइनस थ्री अपॉन में सिक्सटी सिक्स, ट्वेंटी टू माइनस थ्री नाइनटीन बाय थर्टी थ्री नाइनटी नाइन, चेक इट आउट, यही है आंसर, बोलो क्लियर या कौन या डाउट, एक तरीका ये था, एक और तरीका भी होता है बेटा उससे थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता, कैसे इसके लिए मैं एग्जाम्पल 28 एक बात सुन लो, इस एक्सरसाइज को सिखाने के लिए मैं 7.9 और 7.10 ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग, यानी दो एक्सरसाइज को एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है मैम की बात बाद में करेंगे, अभी एग्जाम्पल नंबर 28 ओल्ड बुक्स से, न्यू बुक्स में मैं लूंगा 7.8 7.9 कंबाइन, पहले सीख लो, एग्जाम्पल 26 न्यू बुक्स, अब जरा इसको देखना, आई इज इक्वल्स टू माइनस वन से वन फाइव एक्स की पावर फोर रूट में एक्स की पावर फाइव प्लस वन dx, कैसे करूं सर आप भी बोलोगे क्या करोगे, यहां पे इसको लेट करा, ठीक है क्या हो जाएगा सर, लेट करेंगे x की पावर 5 प्लस 1 को t करो 5x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt, यहां तक क्लियर, सुनो 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 यहाँ पे मैंने कैसे अलग फंक्शन बनाया f करके, मैं डायरेक्ट इसे निकालूंगा दिखाता हूँ कैसे, लेट करा बट एक बात बताओ मेरी लिमिट चेंज नहीं होगी, समझो जब x था तो लिमिट क्या थी माइनस वन से वन, अब क्या वेरिएबल x है t है, दोबारा बोलू दोबारा समझते हैं, जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरी लिमिट भी चेंज होगी, पॉइंट क्लियर हुआ, कैसे वो बताता हूँ, एक्स क्या लूंगा मेरे बच्चा मैं माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर फाइव प्लस वन, टी कितना आ रहा है जीरो,
यानी जब x माइनस वन था तो उस समय t कितना आएगा, जीरो। क्लियर। इसी तरह x क्या लेंगे, वन, तो न्यू लिमिट क्या आएगी, वन की पावर फाइव प्लस वन, टी की पावर, यानी टी हो गया टू। अब मेरा इंटीग्रेशन किसका करना है, मेरे को जीरो से टू, वॉट ये क्या बना पूरा डी टी, और रूट में क्या रह गया टी, रूट टी डी टी। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन आता है कैसे करते हैं सर, इसका आई इज इक्वल्स टू जीरो से टू टी की पावर वन बाई टू। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, टी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी, तो टू बाई थ्री इंटू टी की पावर थ्री बाई टू, और लिमिट क्या है जीरो से टू। सर टू बाई थ्री को तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही कर दो, टू बाई थ्री बाहर, टी की पावर थ्री बाई टू जीरो से टू। हाँ जी, अब टी की जगह क्या डालूंगा, टू, राइट, टू की पावर थ्री बाय टू माइनस जीरो की पावर थ्री बाय टू। बोलो यहां तक क्लियर, यस और नो? टू बाय थ्री, टू, टू की पावर थ्री बाय टू, क्या लिख सकता हूं इसे, सॉल्व कैसे करूं, टू रूट टू, ऐसा सही कह रहे हो बच्चा, टू रूट टू ही होगा, टू की पावर थ्री बाय टू का मतलब टू रूट टू होता है, तो कितना हो गया फोर रूट टू बाय थ्री, चेक कर ले, यही आंसर है। कौन सा तरीका ज्यादा कंफर्टेबल था, ये वाला या पिछला वाला, पिछला वाला विदाउट लिमिट वाला। एक्चुअल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये शॉर्ट पड़ेगा, और स्पेशली जब ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये तरीका सबसे काम का है। एनीवेज इसे पहले नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ आपको ट्राई करने के लिए, दैट इज एग्जाम्पल 27 का थर्ड पार्ट।